तो हे गाइस, प्रोफेसर टेक के एक नए वीडियो में तुम लोगों का स्वागत है। बट ये वीडियो जो है ये एक पुराने वीडियो से काफ़ी लिंक्ड रहेगा, तो अगर तुम लोगों ने पहले तो वो वीडियो नहीं देखा है तो 26 नवंबर 2017 को, जो कि आज से करीब 2 साल पहले अप्रॉक्स हो गए हैं, तो उस दिन मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। वो था मेरे कॉन्फ़िगरेशन का राइजन 7 1700 एंड EVGA GTX 1080 Ti SE ब्लैक एडिशन MSIB 350M मदरबोर्ड प्रो VD प्लस Xeon Blaze DDR4 2400 MHz की रैम, 16 GB, एक सस्ता सा पुंटा का कैबिनेट, कूलर मास्टर 650 वॉट्स का SMPS, प्लेक्स्टर का 120 GB SSD एंड 1 3 TB Seagate Sky Drive हार्ड डिस्क। तो ये जो पूरा सिस्टम था इसका मैं थोड़ा सा वीडियो डाल दे रहा हूँ 1 मिनट के आसपास का, तो वो एक बार देख लेना इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो 26 नवंबर को मैंने ये पूरा जो सिस्टम है ये डाला था इसका वीडियो, एंड द सिस्टम जो 2017 में मैंने लिया था वो आज की डेट में आके थोड़ा सा वीक लगने लगता है। बट कितना वीक, तो इफ़ यू वांट अ होल एक्सप्लेनेशन ऑन दिस कि 2017 का जो एक काइंड ऑफ हाई एंड सिस्टम था वो 2019 में कैसे करता है, तो मुझे कमेंट्स में बताओ सो दैट आई कैन मेक अ फुल डेडिकेटेड वीडियो अबाउट दिस। बट टुडेज वीडियो इज़ नॉट अबाउट दैट सेटअप। आज का वीडियो जो है वो है कि 2019 में एक ऐसा प्रोसेसर आया है दैट इज़ द राइजन 9 3950X, जो कि पावरफुल है। इट इज़ सो पावरफुल दैट मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पे आई डोंट थिंक कि इतना पावरफुल CPU कभी पहले आया था, एंड दैट टू फॉर ए प्राइस पॉइंट। इंडिया में मैंने कोशिश की इसकी प्राइस पता करने की, आई विल अटैच सम क्लिप रिकॉर्डिंग्स एट द एंड ऑफ द वीडियो, तुम लोग जाके उसको चेकआउट कर लेना। बट बेसिकली 2019 में हमको 2 दिन पहले एक ऐसा CPU मिला, ऐसे CPU का बेंचमार्क्स एंड रिव्यूज़ मिला जो कि काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड था कि 2 साल पहले 2017 तक ऐसा कुछ हो भी सकता था। एंड द पावर इज रियली देयर बिकॉज 3950X के स्पेसिफिकेशंस, इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दीज आर रियली अमेजिंग। 3950X US में $750 का निकला है एंड 7 नैनोमीटर के प्रोसेस पे बना है। इसके अंदर 16 कोर है, 32 थ्रेड है। मेरे राइजन 7 1700 पे 8 कोर थे, 16 थ्रेड थे, एंड दे वर बहुत ही पावरफुल मशीन। वहीं पे बेस फ्रीक्वेंसी इज 3.5 GHz एंड बूस्ट इज 4.7 GHz। सो द अमाउंट ऑफ प्रोग्रेस जो AMD ने किया है अपने काइंड ऑफ फ्लैगशिप CPUs के लिए, दैट इज़ रियली अमेजिंग। बिकॉज मेरे अगर तुम राइजन 7 1700 की बात करो तो उसके अंदर थे 8 कोर, 16 थ्रेड, 14 mm का आर्किटेक्चर, एंड उसका बूस्ट क्लॉक इज 3.5 GHz, बेस इज 3.2। तो क्लॉक स्पीड्स पे भी उन्होंने करीब करीब अराउंड 30% तक अचीवमेंट उनको मिला है, वहाँ पे प्रोग्रेस उनको मिला है। एंड साथ ही जो IPC है वो भी काफ़ी बेहतर हो गया, बिकॉज नाउ 3950X के अंदर हमको डेफिनेटली 16 कोर्स तो मिलते ही हैं, बट द फ्रीक्वेंसी विच इट कैन अचीव, बिकॉज ये बेस्ट सिलिकॉन है, तो दैट इज़ रियली माइंड ब्लोइंग। एकदम 4.7 4.6 GHz तक तो सभी CPUs खींच लेते हैं, विच इज़ रियली अमेजिंग। तो गाइज अब बात करते हैं बेंचमार्क्स की, एंड ये बेंचमार्क्स काइंड ऑफ ये चीज़ प्रूफ करते हैं कि AMD ने जो प्रोग्रेस किया है व्हाई इट इज़ सो इम्प्रेसिव, एंड इंटेल ने कभी इतना प्रोग्रेस क्यों नहीं किया इवन इन 2 साल के स्टेप्स में। मे बी इन टर्म्स ऑफ क्लॉक स्पीड्स उन्होंने किया, बट नंबर ऑफ कोर्स उन्होंने 7 से 8 साल जब तक वो लीड कर रहे थे तब तक उन्होंने उस फ्रंट पे कोई एक्शन नहीं लिया। तो गाइज मैं सारे जो बेंचमार्क्स हैं ये डिस्कस नहीं करूँगा, ये टेक्सपॉट की वेबसाइट पे जाके उनका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट जो भी उसमें दिया हुआ है, हाउएवर आई एम गोइंग टू फ्लैश इट एक के बाद एक आप लोगों के सामने, सो दैट कितना अच्छा ये कर रहा है या कितना अच्छा नहीं कर रहा है ये आप लोग देख सको। द ओनली थिंग जो मैं तुम लोगों को बोलूँगा कि नोटिस करना वो है AMD Ryzen 9 3950X का जो ऑरेंज बार है, वो नेक्स्ट जो इंटेल CPU है वो कौन सा है जो आ रहा है, जैसे कि सिनेमंच R20 के सिंगल थ्रेडेड में i9 9900K S जो कि उनका अभी का चैम्पियन प्रोसेसर है वो है, एंड उसके सिंगल कोर परफॉर्मेंस में 522 उन्होंने सिनेमंच में लिया, वहीं पे राइजन 9 3950X ने 529, सो वहाँ पे राइजन 9 ने उसको बीट किया, दैट इज़ रियली अमेजिंग। एंड ये जितने भी बेंचमार्क्स है वो जैसे कि जैसे तुम देख रहे हो यू विल फाइंड दैट इज़ देयर।
मेमोरी बैंडविड्थ इनमें कम रहता है बिकॉज ये क्वाड चैनल मेमोरी नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो इसीलिए सी सॉफ्टवेयर सैंड्रा में आप देख सकते हो कि इसका जो बैंडविड्थ है इट इज़ काइंड ऑफ 2700X से भी कम है। हाउएवर द परफॉर्मेंस विच इट प्रोवाइड्स इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू दिस। बाकी के सारे बेंचमार्क्स भी आप देखोगे द परफॉर्मेंस इज रियली इंप्रेसिव, दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन इट टू यू। एंड इतना ही एक्साइटेड मैं नवंबर में 2 साल पहले जब मैंने राइजन 1700 खरीदा था बिकॉज वो उस टाइम पे एक बहुत ही सेंसेशनल वैल्यू प्रोवाइड कर रहा था। इट इज़ प्रोवाइडिंग मी विथ 8-core 16-thread एंड विच कैन एटलीस्ट जिस टाइप का परफॉर्मेंस मैं चाहता हूँ सिस्टम से उस तरीके का परफॉर्मेंस वो दे रहा था। आई वॉन्टेड कि वो कहीं ना कहीं पे मेरे को अच्छा गेम प्ले करा दे। तो इन एनी केस अब बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की एंड गेमिंग परफॉर्मेंस इज रियली इंप्रेसिव। बैटलफील्ड 5 में 9900 KS को मिले 159 FPS एंड 3950 को मिले 151। सो 8 FPS का जो डिफरेंस है वो आपको पता भी नहीं चलेगा जब आप उस टाइप की गेमिंग करोगे। वहीं पे जब इंटेल का 10 जनरेशन CPUs जो है वो आ जाएंगे देन देयर मे बी सम डिफरेंस, मतलब ये जो डिफरेंस है ये आई थिंक 10% 15% ये और जा सकता है। हाउएवर राइजन 9 3950X का खास बात ये है कि ये बहुत ही हाई क्लॉक स्पीड्स तक जा सकता है। एंड अगर AMD के पास कोई ऐसा स्पेशल सिलिकॉन हुआ जो कि 5 GHz को टच कर दे तो उनके हाथ में पोटेंशियली एक विनर रहेगा एंड दैट विनर विल बी कि वो जो हाई परफॉर्मेंस मार्केट है उसमें कहीं अगर इंटेल को हरा नहीं पा रहा है तो वो एटलीस्ट इंटेल को टच कर रहा है। दैट इज़ रियली नाइस एट दिस प्राइस पॉइंट। अब इंडिया में कितने में आएगा, आई थिंक 67,000 से 70,000 के बीच में आ सकता है, दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। बट AMD के जो CPU के प्राइसेस हैं वो कम होते रहते हैं एंड जैसे कि तुम लोग अभी देखोगे राइजन फर्स्ट जनरेशन के CPU के प्राइसेस बहुत ही कम है, वैसे ही नेक्स्ट ईयर जो है वो राइजन सेकंड जनरेशन के प्राइसेस कम आने चालू हो जाएंगे। सो दिस इज़ द ट्रेंड जो कि इंडिया में चलता रहता है। सो गेमिंग परफॉर्मेंस वेरी इंप्रेसिव एंड बेस्ड ऑन कि आपको 16-core इंटेल CPU के लिए एटलीस्ट आज की डेट में 1 लाख से ऊपर ही देना पड़े, तो ये अगर आपको 65,000 to 70,000 में मिल रहा है सो दैट इज़ नॉट बैड एंड AMD हैज़ अचीव्ड अ लॉट इन दिस ब्रैकेट। एंड जो परफॉर्मेंस जो वो दे रहे हैं अभी कॉन्टेंट क्रिएटर्स को गेमर्स को दैट इज़ रियली अमेजिंग बिकॉज 16-core में आई एम वेरी श्योर आप अगर अपने सिस्टम पे स्ट्रीमिंग करते हो तो यू कैन डू 1080p 60fps विदाउट एनी इशू, आप बिल्कुल ईजीली तरीके से कर सकते हो, बहुत ही अच्छा आपको उसके अंदर परफॉर्मेंस मिलेगा। वहीं पर अगर आप एक RTX कार्ड लगाते हो सिस्टम के साथ तो आपको उनका जो न्यू NVENC एनकोडर है जो कि बहुत ही अच्छा है दैट यू कैन यूज़ एंड आपका जो सिस्टम है वो सिंगल PC पे यू कैन डेफिनेटली गो फॉर स्ट्रीमिंग सेटअप 1440p रेजोल्यूशन तक इफ़ यू वांटेड समथिंग लाइक दैट। तो गाइज डेटा बहुत ज़्यादा चाहिए होता है आई नो, बट द परफॉर्मेंस जो AMD अभी ये प्रोवाइड कर रहा है दिस इज़ रियली अमेजिंग एंड ये जितने भी बेंचमार्क्स हैं ये टेक्सपोर्ट की वेबसाइट पे तुमको मिल जाएंगे, वहाँ जाके यू गाइज कैन चेकआउट एंड क्या एक्सप्लेनेशन है वो भी चेकआउट कर सकते हो। हाउएवर बहुत ही ब्रीफ तरीके में मैंने ये तुम लोगों को समझाने की कोशिश की है कि वाई दिस इज़ रियली कि AMD ने बिल्कुल धो दिया है इंटेल को एंड इंटेल का नेक्स्ट ईयर का जो उनका आने का है वो दैट इज़ अ 10-core CPU एंड आई डोंट थिंक कि वो इसके प्राइस पॉइंट पर हिट करेगा बिकॉज AMD विल कीप रिड्यूसिंग द प्राइसेस जब वो देखेगा कि वो थोड़ा सा आउट ऑफ रीच जा रहा है। तो दैट इज़ व्हाई आई थिंक द CPU प्रॉस्पेक्ट्स आर रियली अमेजिंग एंड ये इतना पावर है जितना हम लोग 2 साल पहले सोच भी नहीं सकते थे। तो गाइस अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया तो गिव इट अ लाइक, अगर नहीं तो गिव इट अ डिसलाइक एंड अगर तुम लोग चाहते हो इस चैनल को और सपोर्ट करो तो लाइव स्ट्रीम्स पे आके यू गाइस कैन सपोर्ट द चैनल एंड आके बहुत सारी BC भी कर सकते हो। मैं PUBG मोबाइल का स्ट्रीम करता रहता हूँ हर रोज शाम को, सो यू गाइस कैन कम एंड जॉइन मी ऑन दो स्ट्रीम्स। गाइस फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।